चलिए सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के सुपौल में राहुल गांधी की रैली थी और इस रैली पर जमकर बरसते हुए नजर आए बीजेपी पर। कहा कि मोदी ने बिहार के युवाओं को बदनाम कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के युवाओं को बदनाम किया है मोदी ने। माल्या नीरव चौकसी के चौकीदार बने हैं मोदी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, चौकीदार की दिख रही है सच्चाई। राहुल गांधी ने कहा जमकर पीएम मोदी पर बरसते हुए राहुल गांधी बिहार के सुपौल में नजर आए। मोदी ने अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिए हैं, ये कहना है राहुल गांधी का। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, बिहार के लोग मोदी को नहीं बनने देंगे पीएम। राहुल गांधी ने ये भी यहां पर कहा। ये तमाम तरह की बातें इस दौरान राहुल गांधी ने कही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, बिहार के सुपौल में राहुल गांधी की आज रैली थी और इस रैली के दौरान जमकर पीएम मोदी पर बरसते हुए नजर आए। राहुल गांधी और पीएम को सिर्फ नीरव मोदी का चौकीदार बताया, मेहुल चौकसी का चौकीदार बताया और साथ ही कहा कि मोदी ने बिहार के युवाओं को बदनाम किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के युवाओं को बदनाम किया है, ये कहना था राहुल गांधी का पीएम मोदी को लेकर। माल्या नीरव चौकसी के चौकीदार बने हैं मोदी, ये कहना है राहुल गांधी का। अपने इस रैली में बीजेपी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा, पीएम मोदी को खासतौर पर घेरते हुए नजर आए।